कोलकाता में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जमा पानी हटाने के लिए कोलकाता नगर निगम को ड्रेनेज पंप की मदद लेनी पड़ी। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर का वॉल सिटी इलाका पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया है। रथ यात्रा के दौरान निगरानी के लिए पहली बार ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो समेत करीब 20,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। आरजेडी नेता सनोज यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरोज यादव का आरोप है कि तेज प्रताप ने उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उनकी पिटाई भी की। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने साफ किया है कि स्कूलों में जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराए जाने तक राज्य सरकार ऐशो आराम के सामान नहीं खरीद सकती। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में अधिकारियों का बचाव किया है। हालांकि उन्होंने स्कूलों की हालत में सुधार के लिए समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे की बीजेपी और शिवसेना से नजदीकियों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिंधुदुर्ग जिले में कार्यक्रम के दौरान नारायण राणे ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के कामों की तारीफ की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ मंच भी साझा किया। गाजियाबाद के मथुरा ईएमयू ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने तीन लड़कों पर चाकुओं से हमला कर दिया। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बल्लभगढ़ और असाफ्टी स्टेशन के बीच का है। हमले में एक लड़के की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी असावटी स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही फरार हो गए। हरियाणा के नूह जिले की मरोड़ा पंचायत अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी जानी जाएगी। ट्रंप ने इस गाँव को गोद लिया है और इस गाँव में विकास का जिम्मा सुलभ इंटरनेशनल को मिला है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक ने मरोड़ा गांव में भी कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। तेलंगाना के विकराबाद जिले में खेलते वक्त करीब 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 14 महीने की बच्ची को बचाने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जेसीबी की मदद से बोरवेल के बगल में गड्ढा खोदकर बच्ची तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पाइप की मदद से बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए 5 गांव में विकास को लेकर अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने इन गांव के लिए शुरू किए गए समाचार पत्र का भी विमोचन किया। उन्होंने किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड भी बांटे। असम में गुवाहाटी के नीलांचल की पहाड़ियों में स्थित मशहूर कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित अंबुबाची मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। साधु संतों ने भी मंदिर के पीछे बह रही ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डेरा जमा लिया है। मेला 27 जून तक चलेगा।